हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता है मनीष सिसोदिया, उनका उनकी प्रेस ब्रीफिंग में कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी, भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है, यही हमें रखना था इस पे। संजय भाई, पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको बता दें कोर्ट से राहत मिलने के बाद लगातार पहले बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।